नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि तीन पाइप ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमें बताना है कि जो हमारी टंकी है वह कितने समय में भर जाएगी। हम मान लेते हैं कि माना टंकी भरने में x मिनट लगेगा, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन पाइप लगे हुए हैं, पहला 6 मिनट, दूसरा 8 मिनट और तीसरा 12 मिनट। तो पहला कितने मिनट चलता है? 6 मिनट। दूसरा कितने मिनट? 8 मिनट में भर देता है। लेकिन तीसरे ने उसने कहा है कि टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ एक्स माइनस 6 करेंगे और यहाँ लिख देंगे 12 मिनट, बराबर काम कितना होता है? काम होता है एक, तो हमने काम लिख दिया एक। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 24, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौकू 24, तो यहाँ आ जाएगा 4x, 8 से करेंगे 8 3 24, तो यहाँ आ जाएगा 3x, प्लस 12 से करेंगे 12 दूना 24, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 6 दूना 12, बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 3 7 2 9, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 12 बराबर 24 जाएगा यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। यहाँ 12 और साइड पहुँच जाएगा तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? 36। x बराबर हो जाएगा 36/9, 9 से काटेंगे 4 बार जाएगा, x बराबर 4 मिनट। यानी कि जो टंकी है वह कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी हमारी 4 मिनट में पूरी भर जाएगी। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।